व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज का लेक्चर थोड़ा लेट हो गया, अर्जेंटली कुछ बाहर जाना पड़ गया था, लग रहा था कि आज लेक्चर नहीं आएगा, पर लेकिन वही है कि जैसे ही घर पे आया हूँ पहले आप लोगों का लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक बार तो लग रहा था, मुझे लग रहा है कल ही लाना पड़ेगा, पर लेकिन अच्छी बात यह है कि आज ही आ रहा है, थोड़ा देर आ रहे हैं पर लेकिन दुरुस्त आ रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए इसको। तो आज का लेक्चर है ये, कल जो है वो आप लोगों का मैंने टेस्ट भी जो है संडे का वो आप लोगों का देखने को मिलेगा। तो टेस्ट कोशिश करूंगा 10 या फिर 9:30 तक आप लोगों का टेस्ट आ जाएगा, तो उसको भी आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को रेगुलर फॉलो करके चलनी है। कुछ ही दिन की बात और बची है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर चीजें जो है वो पैटर्न में आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहां पर बात की जा रही है वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे के बारे में। ये एक तरीके से होता है गर्भ निरोधक, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग बच्चा पैदा करना नहीं चाहते हैं तो उसको रोकने का ये तरीका है। एक तरीके से अनवांटेड जो प्रेगनेंसी होती है उसको रोकने का तरीका बेसिकली यहां पर बोला जाता है। ये देखिए, अगर आज के डेट में आप लोग बात करें, बहुत सारे जो लोग हैं वो इससे अवेयर नहीं रहते हैं। हमारी कंट्री में ये जो चीजें हैं इनके बात करते हुए लोग जो है काफी शर्माते हैं। अगर ये चीजें स्कूल में पढ़ाई जानी चाहिए तो वहां पर इनको पढ़ाते नहीं है। नॉर्मली इस तरीके के जो चैप्टर होते हैं उनको स्किप कर दिया जाता है। घर में पेरेंट्स बच्चों से बात नहीं करते हैं, बड़े भाई बहन छोटे भाई बहन से बात नहीं करते हैं। तो ये एक ऐसी चीज है जो हमारी कंट्री में एक अवेयरनेस न होने की बीमारी बन चुकी है। वरना अगर ये सारी चीजें बच्चों को बताई जाए कि हाँ भैया अनवांटेड सेक्स, अनवांटेड फिजिकल रिलेशन नहीं बनाने हैं, सेक्सुअल रिलेशन अगर किसी को बनाने हैं तो प्रॉपर वे में आप लोग सेफ्टी यूज कीजिए, चाहे किसी भी तरीके से क्यों ना हो, ताकि आप लोग की जो लाइफ है वो बची रहे। देखिए, ये बात नहीं समझ पाते हैं, इज्जत बेइज्जती पहले आ जाती है, पर लेकिन ये चीज नहीं देख पाते हैं कि जान है तो जान है। अगर इंसान को बीमारी लग जाएगी तो फिर क्या रहेगा, कहां इज्जत और कहां बेइज्जती टिकी हुई रह जाएंगी। तो इसलिए ज्यादा जरूरी है पहले इंसान की जान के ऊपर फोकस दिया जाए, उससे कीमती चीज कुछ नहीं है। पर लेकिन उसको इग्नोर कर इज्जत बेइज्जती वो सारी चीजें उनके पहले वो अड़ंगे अड़ा देते हैं। तो कम से कम जो आप लोग लेक्चर सुनते हैं, आप लोग अगर किसी को ये चीजें शेयर करिएगा तो कम से कम किसी इंसान की आप लोग हेल्प कर पाएंगे। ठीक है, तो 26 सितंबर यहां पर इसकी डेट रखी गई है जो कि यहां पर इसके बारे में बात करती है। यंग जो पीपल है उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि सेक्सुअल और जो एक तरीके से रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ है उसके बारे में ध्यान रखना चाहिए आप लोगों। और जैसे ही आप लोग एडल्ट होते हैं, एक ऐसी एज में आते हैं, तो आप लोगों को कम से कम इन सब चीजों के बारे में पढ़ना चाहिए। खुद से भी आप लोगों का इन चीजों के बारे में इंटरेस्ट होना चाहिए पढ़ने का, क्योंकि इनके बारे में जानोगे नहीं तो कहीं ना कहीं बीमारी के शिकार हो जाओगे। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है। 15th जो इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिनको आप लोग एनजीओ बोलते हैं, ये यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में काम करती है काफी लार्ज स्केल में। इसी के साथ में गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और जो साइंटिफिक एंड ये जो मेडिसिनल सोसाइटी होती है ये भी काफी बड़ा रोल प्ले करती है। इसी के साथ में आप लोगों को भी पता होना चाहिए, जैसे मैंने भी आप लोगों को बताया, ये सारी चीजें सपोर्ट करिए सोसाइटी में ताकि इनके बारे में लोगों को अवेयर हो सके। और अनवांटेड जो प्रेगनेंसी है, जो कई सारी यहाँ पर महिलाओं की भी जान ले लेती है, उसके बारे में भी चीजों को रोका जा सके और प्रोडक्टिव वे में चीजों को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, तो ये है यहाँ पर इस पर्टिकुलर डे के बारे में। आगे चलता हूं, सबसे पहले यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज है आप लोगों के सामने, ये बात की जा रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। आप लोग अगर रेगुलर न्यूज फॉलो कर रहे हैं तो मैंने आप लोगों को एक न्यूज बताई थी यहाँ पर कि हमारी कंट्री के जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो आज के डेट में चेयरपर्सन है किसके, एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज, यानी कि जो वर्ल्ड में जितनी भी इलेक्शन बॉडीज हैं, जो उनका एसोसिएशन होता है, उनका ग्रुप होता है, उसके चेयरपर्सन है हमारी कंट्री की जो पर्सनैलिटी है यहाँ पर, ये इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। हमारी कंट्री के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आज के डेट में इस पर्टिकुलर बॉडी के चेयरपर्सन है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज। एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज जो थी यहाँ पर, ये स्टेब्लिश की गई थी 2013 में। इसका बेसिक पर्पज ये था किस तरीके से हम लोग चीजों को ऑल ओवर वर्ल्ड में एक दूसरे से सीखकर आगे लेकर हम लोग चल सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आज के डेट में इलेक्शन की प्रैक्टिस किसी कंट्री में अच्छे तरीके से की जा रही है तो दूसरी कंट्री भी उससे कुछ सीखे और चीजों को फिर आगे लेकर चले। तो इसी के चलते जो डेमोक्रेसी है वो मेंटेन रखने की कोशिश की जाती है इस पर्टिकुलर बॉडी के द्वारा। तो हमारी कंट्री के जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, चीफ इलेक्शन कमीशन, वो यहाँ पर आज के डेट में इसके चेयरपर्सन है। और यहाँ पर उनका नाम क्या है ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, हमारी कंट्री के चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उनके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया इंटरनेशनल वेबिनार। आप लोगों को पता है अब जाना तो पॉसिबल नहीं है, तो वेबिनार हो रहा है, यानी कि ऑनलाइन सब जो है वो बातें कर रहे हैं। तो क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या चैलेंज हैं और क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं कि कंडक्ट किए जाएं इलेक्शन ड्यूरिंग COVID-19, यानी कि COVID-19 के चलते भी यहाँ पर किस तरीके से आप लोग इलेक्शन को कंडक्ट करा सकते हैं। तो बात की जा रही है यहाँ पर शेयरिंग कंट्री एक्सपीरियंस,
जिस तरीके से कंट्री का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना है। और इसी के साथ में बात की जा रही है कंप्लीशन ऑफ वन ईयर चेयरमैनशिप ऑफ एसोसिएशन ऑफ ये वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज, यानी कि हमारी कंट्री की चेयरमैनशिप जो है वो एक साल की कंप्लीट हो चुकी है। ये उस जब मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था लास्ट ईयर 2019 में, तो उस टाइम पर मैंने इसके बारे में आप लोगों को बताया था। वर्ल्ड जो हम लोग बात कर रहे हैं वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज यानी कि एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज, ये लार्जेस्ट एसोसिएशन है यहाँ पर इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज यानी कि जो इलेक्शन को मैनेज करते हैं वर्ल्ड वाइड। टोटल मिलाकर 115 जो वर्ल्ड में यहाँ पर कंट्री हैं और 16 जो रीजनल एसोसिएशन है वो इसके मेंबर हैं आज के डेट में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो था इसके साथ में जो एसोसिएट यहाँ पर चल रहा है, फॉर्मेशन जो किया गया था यहाँ पर, ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिला सिंस 2011 से। ठीक है, तो इंडिया जो है यहाँ पर वो सेंटर एस्टेब्लिशमेंट है यानी कि इसके साथ मिलकर अच्छे से काम करते हैं, रिसर्च कैसे यहाँ पर चीजें आगे लेकर चल सकती है वो सारी चीजें आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। इनकी हमारी कंट्री की जो बॉडी है वो काफी अच्छे से यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में काम कर रहा है इनके साथ में मिलकर। जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन डाल सकते हैं यहाँ पर, जो इंडिया के बारे में अभी आप लोगों से बात की यहाँ पर कि एसोसिएशन जो है वो फॉर्मेशन किया गया था AWEB यहाँ पर 2011 में, भी मैंने बोला 2013 में यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को ये फॉर्मेशन देखने को मिला। बेसिक फंडा ये कि सबसे पहले इसको प्रपोज किया गया था साउथ कोरिया के द्वारा इसको 2010 में प्रपोज किया गया था, पर लेकिन जो यहाँ पर AWEB यानी कि जो हम लोगों ने अभी यहाँ पर नाम देखने को इसका मिल रहा है एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज, ये बेसिकली जो नाम यहाँ पर ये चूज किया गया था ये सजेशन इंडिया के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये एसोसिएशन जो है इंडिया के द्वारा नाम देने पर यहाँ पर ये आगे बढ़ी थी, तो ये सजेशन इंडिया के द्वारा यहाँ पर दिया गया था जब से चीजें आगे बढ़ी और फिर 2013 में इसका फॉर्मेशन किया गया। तो चीजें जो है वो इंडिया के साथ में पहले से ही कनेक्ट है जब से इसके फॉर्मेशन की बात की जा रही है। और अभी जो बॉडी है वो यहाँ पर किसके हाथ में है, वो है हमारी कंट्री के हाथ में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। तो जैसे हमारी कंट्री में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आप लोगों को बताया कि लोकसभा राज्यसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और इसी के साथ में प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं, तो ये अपना एक्सपीरियंस जो है वो दूसरों के साथ में भी यहाँ पर शेयर करता हुआ नजर आता है। देखिए आप लोगों के माइंड में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोकसभा राज्यसभा के इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन कंडक्ट कराता है, पर लेजिस्लेटिव काउंसिल पर कई सारे बच्चों को जो है कंफ्यूजन हो जाता है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी इलेक्शन यहाँ पर इसी के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन है वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही कंडक्ट यहाँ पर कराए जाते हैं। तो आर्टिकल 324 हमारे संविधान का ये पावर देता है यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि इस तरीके से यहाँ पर ये काम कर सकता है। और जो इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं पार्लियामेंट के वो इलेक्शन जो है हमारी कंट्री में रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट जो है 1951 वो यहाँ पर काफी बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, जिसके बारे में मैंने पॉलिटी में आप लोगों के लिए अलग से लेक्चर भी लिया था, तो जाकर उसको आप लोग देख लीजिएगा अगर कोई भी कंफ्यूजन आप लोग के माइंड में है तो। ओके, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट ये काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग अपनी बॉडी को थोड़ा फिट रखना चाहते हैं तो पोषण अभियान जो है वो आप लोगों की बॉडी का बेसिकली पार्ट बनना चाहिए आप लोगों के जो शेड्यूल का। कहने का मतलब यहाँ क्या है, पोषण अभियान का मतलब क्या है, यहाँ पर इसका फुल फॉर्म है यहाँ पर पीएम ओवर रीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट, यानी कि एक तरीके से पूरी बॉडी के नरिशमेंट की बात की जा रही है। मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो एक बैलेंस डाइट के बारे में बात की जाती है। तो सही पोषण देश रोशन, ये बेसिकली इसका नारा है पोषण अभियान का। तो प्राइम मिनिस्टर ओवर रीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट, तो ये होलिस्टिक न्यूट्रिशन, ठीक है, नरिशमेंट और न्यूट्रिशन भी आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं, दोनों वर्ड यहाँ पर यूज किए जाते हैं नॉर्मली। ठीक है, या तो नरिशमेंट या फिर न्यूट्रिशन। तो ये बेसिकली जो फंडा है कि किस तरीके से इसको लेकर चलना है, अगर हमारी कंट्री में हम लोग चीजों को सही तरीके से रख पाए, तो इसी के चलते हमारी कंट्री में 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। 2018 में यहाँ पर लॉन्च किया गया था इसको, कहां से, राजस्थान के अंदर। राजस्थान में कहां से लॉन्च किया गया था ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, क्योंकि कई बार लोकल एरिया के बारे में पूछ लिया जाता है। नीति आयोग ने काफी बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले किया है पोषण अभियान को सेव करने के लिए, कि हमारी कंट्री में जो नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटजी जो रिलीज की जाती है नीति आयोग के द्वारा, तो उसके द्वारा यहाँ पर इस पर्टिकुलर चीज पर फोकस दिया गया। आप लोग ये समझिए, अगर प्रॉपर वे में एक सही डाइट आप लोग ले रहे हैं और अपनी बॉडी को सही तरीके से आप लोग फॉलो करके चल रहे हैं, तो आप लोग ये समझिए कि सही चीजों का सोल्यूशन आप लोग निकाल पाएंगे, यानी कि अपनी सही तरीके से आप लोग देखभाल कर पाएंगे। तो यही चीज आप लोगों यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर बात की जा रही है एमओयू के बारे में, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो ये अभी देखने को मिली आयुष मिनिस्ट्री और इसी के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के बीच में, ताकि जो माल न्यूट्रिशन यानी कि जो कुपोषण का शिकार है उसको कंट्रोल किया जा सके और पोषण अभियान का पार्ट इसको बनाया जा सके। पोषण अभियान जो है हमारी कंट्री में नेशनल न्यूट्रिशन मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। फ्लैगशिप प्रोग्राम क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा प्रोग्राम जिसके अंदर कई सारे छोटे छोटे प्रोग्राम आ जाते हैं, यानी कि उस पर्टिकुलर चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, फिर सपोर्ट करने के लिए अंडर ये काम करते हैं यहाँ पर मिनिस्ट्री
ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के, ताकि इंप्रूव किया जा सके, जो चिल्ड्रन है, प्रेग्नेंट वुमेन है और लैक्टिंग मदर है उनके ऊपर फोकस देकर चला जा सके। एमओयू जो है यहाँ पर ये एक तरीके से कोऑपरेशन करता है, इंक्लूडिंग यहाँ पर इंटीग्रेशन आयुष और इसी के साथ में पोषण अभियान, ठीक है, कंट्रोल करता है यहां पर ये मेल नरिशमेंट अगर आप लोग बात करें, इसी के साथ में आयुर्वेदा, योगा और जो अदर स्कीम भी आप लोगों यहां पर देखने को इससे रिलेटेड मिल जाती है, जो कि काम करते हैं कि हमारी कंट्री में इसको कैसे लेवल पर आगे लेकर चला जा सकता है, ठीक है। तो पोषण महा भी आप लोगों से मैं डिस्कस करता हूं, जब भी इंपोर्टेंट डे के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं तो पोषण महा के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ये पोषण महा सितंबर का जो महा होता है उसको आप लोग पोषण महा के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये है इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी, तो कोई कंफ्यूजन माइंड में इससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो यहाँ पर बात की जा रही है अभी काफी इंपोर्टेंट है, हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी उनके द्वारा लॉन्च किया गया यहाँ पर, ये है एज अप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये ओकेजन जो फिट इंडिया मूवमेंट हमारी कंट्री में लॉन्च किया गया था, तो उसके चलते यहाँ पर फिर से इसको एक तरीके से याद करने की कोशिश की जा रही है। फिट इंडिया मूवमेंट हमारी कंट्री में स्टार्ट किया गया था, इसमें बोला गया था कैसे इंसान जो है फिट रह सकते हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है यूथ मिनिस्ट्री और इसी के साथ में हेल्थ मिनिस्ट्री टुगेदर मिलकर यहाँ पर काम करेंगे। एज अप्रोप्रिएशन फिटनेस जो प्रोटोकॉल है यहाँ पर, ये 3 एज ग्रुप में आप लोगों को देखने को मिलता है, 5 से लेकर 18, 18 से लेकर 65 और 65 से ऊपर, तो ये एज ग्रुप इसमें डिवाइड किया गया है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा एक मंत्र भी यहां पर दिया गया था कि फिटनेस का डोज, ठीक है, आधा घंटा रोज, यानी कि फिटनेस जो आप लोगों को अगर अच्छी चाहिए तो कम से कम आधा घंटा डेली आप लोग अपनी बॉडी को देना है, ये यहाँ पर तभी आप लोग अपनी चीजों को सही रख पाएंगे। तो इसी के बारे में बात की जा रही है। तो योगा करना है, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल, कराटे, कबड्डी, ये सारी चीज जो भी आप लोग को डेली लगे अच्छा आप लोग खेल सकते हैं, तो ये चीजें आप लोग अपने रूटीन का पार्ट बना लीजिए, तभी आप लोग अपनी लाइफ को सही तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे, नहीं तो काफी बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों को लाइफ में देखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो ये इनके द्वारा समझाया गया है कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है, सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंड आप लोगों को रखना है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट यहां पर इसके बारे में कई बार आप लोगों से बात कर चुका हूं, फिर भी यहां पर एक बार हल्का सा एक नजर आप लोग इसके बारे में डाल लीजिए। बात की जा रही है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल, यानी कि फॉरेन से अगर कोई कंट्रीब्यूशन आता है तो उसको कैसे रेगुलेट करना है उसके बारे में यहां पर बात की जाती है। यहां पर जो बात की जा रही है उसके बारे में आप लोग समझिए, तो यहां पर फोकस दिया रहा है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट जो बिल है यहां पर, ये बेसिकली एक तरीके से जो फॉरेन से कंट्रीब्यूशन हमारी कंट्री में मिलता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी एनजीओ को, तो उसको कैसे यूटिलाइज करना है। एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ रुपीज हमारी कंट्री में ये इसके थ्रू ये पंप किए जाते हैं, पर लेकिन उसका ढंग से यूटिलाइजेशन हो रहा है या ना फिर नहीं वो भी देखना होता है। तो इसी के चलते यहां पर जो बार कहता है, जो पब्लिक सर्वेंट है, एक बच्चा पूछ रहा था कि सर मैं आगे चल के आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूं तो क्या मैं भी कोई एनजीओ स्टार्ट कर सकता हूं। देखिए आप लोग नॉर्मली जो है इस चीज से अवॉइड कीजिए अभी यहां पर, जब आप लोग इस पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, जैसे आप लोग रिटायर हो जाते हैं उसके बाद में आप लोग इन सब चीजों को लेकर चल सकते हैं, क्योंकि बींग ए पब्लिक सर्वेंट आप लोग की एक अलग से रेस्पॉन्सिबिलिटी है और बींग ए कनेक्टेड टू ए एनजीओ वो एक अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो इसके चलते वो नहीं कहते हैं एक तरीके से कि कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट यहां पर एक इंसान का कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट आ जाता है बीच में, यानी कि वही बात हो गई कि अपने ही केस में कई बार जज बन जाना। अगर कल को आपकी एनजीओ में कोई प्रॉब्लम हो रखी है या कोई फंडिंग की बात आ रखी है तो आप लोग अपनी एनजीओ की तरफ को फंडिंग मोड़ने की कोशिश करोगे, तो इसका मतलब ये रहता है बेसिकली कि आप लोग अपनी पोस्ट का गलत फायदा उठाओगे। तो इसलिए यहां पर इसको रोका जाता है कि कोई फंडिंग यहां पर ना मिले जो सर्वेंट है, खासकर अगर किसी एनजीओ से इस तरीके से चीजें चल रही है, यानी कि पब्लिक सर्वेंट को बार कहता है फॉरन फंडिंग लेने से, ठीक है। इसी के साथ में बात की जा रही है आधार कार्ड मैंडेटरी है यहाँ पर, ऑल द ऑफिस जो भी यहाँ पर एनजीओ से कनेक्टेड है सारी चीजें फॉरेन फंड यहाँ पर लेती है। तो जो बिल है यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, देयर आर सम एनजीओ विच डू नॉट इन्फॉर्म द गवर्नमेंट अबाउट फॉरेन कंट्रीब्यूशन, जबकि यहाँ पर ये मैंडेटरी है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्म करना ही करना पड़ेगा। तो जो एनजीओ है वॉयलेशन कर रही है यहाँ पर इस तरीके से, जैसे फॉरेन रेगुलेशन एक्ट में बोला गया है कि अगर कहीं से फॉरेन से आप लोग इस तरीके से फंड लेते हैं तो आप लोग आकर इन्फॉर्म करो, पर लेकिन ये इन्फॉर्म नहीं कर रही है, तो इस टाइम पर आप लोगों को ये सिचुएशन देखने को मिलेगी। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं, जो कि एक सही तरीके का क्वेश्चन भी आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर हो जाती है, बात की जा रही है टाइम्स मैगजीन के बारे में। टाइम्स जो मैगजीन है यहां पर ये 100 मोस्ट इन्फ्लुएंस पर्सन की लिस्ट तैयार करती है। तो यहां पर अभी 2020 में जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किसी के द्वारा किया जा रहा है तो उसमें 100 पर्सनैलिटी के नाम यहां पर सामने है। तो हमारी कंट्री के 5 पर्सनैलिटी आप लोगों को टॉप 100 में देखने को मिलेंगे। सबसे टॉप पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिनका नाम हर एक इंसान गाता है, तो हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी।
तो यहाँ पर ये फोर्थ टाइम जब से ये यहाँ पर पार्ट बने 2014 से यहाँ पर हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टरशिप का, तब से लेकर यहाँ पर ये फोर्थ टाइम इस लिस्ट में आ चुके हैं। ठीक है, कैटेगरी ऑफ द लीडर्स के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं, नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर रविंद्र गुप्ता, ये HIV जो एड्स है उससे रिलेटेड यहाँ पर ये पर्सनैलिटी है। ठीक है, तो इस कैटेगरी में यहाँ पर ये काम करते हैं, तो इनका नाम भी आप लोग याद रख सकते हैं। इसी के साथ में अल्फाबेट और गूगल के जो CEO है सुंदर पिचाई, ये यहाँ पर इस कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आयुष्मान खुराना जो एक आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट की कैटेगरी में, ठीक है, कैटेगरी है यहाँ पर, पहली कैटेगरी में लीडर है, दूसरी कैटेगरी में जो पाइनर है किसी पर्टिकुलर फील्ड को आगे लेकर चल रहे हैं, तीसरी में बात की जा रही है टाइटन्स, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो बात की जा रही है आर्टिस्ट है यहाँ पर, और कैटेगरी ऑफ आइकन्स जो है यहाँ पर, ये बिल्किस बानो को यहाँ पर बोला जा रहा है दादी ऑफ शाहीनबाग। ठीक है, तो शाहीनबाग की दादी के नाम से भी इनको जाना जा रहा है। ये प्रोटेस्ट कर रहे थे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ शाहीनबाग वाले एरिया में, दिल्ली के अंदर में, साउथ दिल्ली में, तो तब से यहाँ पर ये काफी ज्यादा न्यूज में आ गई थी। तो इसके चलते यहाँ पर इनका भी नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा, तो अब यहाँ पर और ज्यादा सुन लिया आप लोगों ने, इनके टाइम्स जो लिस्ट है यहाँ पर इनका नाम आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो एग्जाम में क्वेश्चन बने तो अब कंफ्यूजन में न आइएगा कि दादी कौन है ये। ठीक है, तो अब आप लोगों के माइंड में इनके बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। तो यही कुछ बातें थी जो मुझे आप लोगों के साथ में यहाँ पर शेयर करनी थी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, एक साइंटिस्ट के बारे में, जो कि रिसेंटली अभी कोरोना वायरस की भेंट चढ़ गए, यानी कि इनकी लाइफ ने कोरोना वायरस के सामने घुटने टेक दिए। ये एक साइंटिस्ट हमारी कंट्री में फॉर्मर एटॉमिक एनर्जी कमीशन से रिलेटेड थे, नाम है यहाँ पर डॉक्टर शेखर बासु। तो डॉक्टर शेखर बासु जो है 68 की एज में यहाँ पर हमारे बीच में से चले गए, कोरोना वायरस ने इनकी जान लेने में काफी बड़ा रोल प्ले किया है। यहाँ पर इनका कॉन्ट्रीब्यूशन जो है एटॉमिक एनर्जी में काफी बड़ा है हमारी कंट्री में, 2014 में इनको पद्म श्री से भी नवाजा गया था। इसी के साथ में ये काफी बड़ा रोल प्ले किया हमारी कंट्री में न्यूक्लियर पावर सबमरीन INS अरिहंत को एक तरीके से सही डायरेक्शन में लाने का एक बड़ा रोल प्ले इनके द्वारा किया गया। नेक्स्ट यहाँ पर जो ये कमीशन बना है एटॉमिक एनर्जी कमीशन, तो गवर्निंग बॉडी है यहाँ पर एक तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आती है, और हमारी कंट्री में जो बेसिकली अगर बात करें सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट जो इंडिया है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ये एक्स ऑफिशियल चेयरमैन यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाते हैं ऐसे भी, डायरेक्टली जो चेयरपर्सन होते हैं यहाँ पर नॉर्मली अगर देखा जाए जो एटॉमिक जो सिस्टम होता है ये PMO के अंडर में आता है हमारी कंट्री के, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर में। ठीक है, तो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कौन हो गए यहाँ पर कमीशन के, तो ये भी याद रखिएगा, सेक्रेटरी की बात की जा रही है, तो इससे रिलेटेड ये इसके बारे में जो बात की जा रही है, तो कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए एटॉमिक एनर्जी कमीशन के बारे में। ठीक है, तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन है क्योंकि इससे रिलेटेड पर्सनैलिटी जो है कोरोना वायरस की चपेट में आ गई है, तो आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है हल्का फुल्का। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर ये बात की जा रही है यहाँ पर एक पर्टिकुलर जो पर्सनैलिटी के बारे में, नाम है इनका शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह जो है यहाँ पर ये फर्स्ट जो वुमेन बनने वाली है जो रफेल एयरक्राफ्ट है उसको उड़ाएंगी। ठीक है, तो इंडियन एयरफोर्स में जो हमारी कंट्री में जो रफेल है वो 10 सितंबर को एड किया गया था, तो अभी काफी न्यूज में भी था यहाँ पर ये, तो पहली महिला बनने वाली है यहाँ पर ये जो है वाराणसी यानी कि बनारस यानी कि हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करती है, और यहाँ पर जो अंबाला का जो बेसिकली सेंटर है यहाँ पर ये इस पर्टिकुलर इस चीज से रिलेटेड अंबाला बेस, ये नंबर 17 स्क्वाडन जिसको आप लोग गोल्डन एरो के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ पर ये बेसिकली ट्रेनिंग चल रही है जिसके चलते यहाँ पर जो वुमेन है उनको भी यहाँ पर रफेल का पार्ट बनाया जाएगा। ऑफिसर जो है 1 of the 10 वुमेन जो फाइटर पायलट है जो खासकर इस पर्टिकुलर फील्ड में काम करने वाले हैं, तो इनके द्वारा MiG-21 भी यहाँ पर उड़ाया गया था, तो ये भी मतलब ये तो नहीं है बस, हाँ इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट बात की जा रही है जो फ्लाइट लेफ्टिनेंट अवनी चतुर्वेदी, ठीक है, नेक्स्ट जो पर्सनैलिटी है यहाँ पर वह भावना कांत, और इसी के साथ में ये यहाँ पर मोहना सिंह, तो ये पर्सनैलिटी है तो यहाँ पर जो कि आज के डेट में आने वाले टाइम में काफी बड़ा रोल प्ले करने वाली है, कम से कम जो आना चाहते हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में उनके लिए इंस्पिरेशन भी आप लोग इनको बोल सकते हैं। उन्हें कहते हैं कि लड़कियों से रिलेटेड इंस्पिरेशन नहीं देखने को मिलता है पर्टिकुलर फील्ड में, तो आने वाले टाइम में लड़कियों के लिए एक इंस्पिरेशन है अगर कोई यहाँ पर इस पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहती है। तो हल्का सा आइडियाज के बारे में आप लोग रख सकते हैं, हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे के द्वारा बात की जा रही है हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में। हाइड्रोजन फ्यूल सेल हमारी कंट्री में यूज की जा रही है व्हीकल में आने वाले टाइम में, इसके चलते गाइडलाइन जो है हमारी कंट्री में वो चेंज की गई है। देखिए पहले आप लोग कुछ और यूज करते थे, आज कुछ और यूज कर रहे हैं, तो उसके चलते आप लोगों को चीजें चेंज देखने को मिलेगी। तो सेंट्रल मोटर व्हीकल है 1989 उसमें यहाँ पर चेंज किया जा रहा है, तो प्रमोशन ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल सेल इसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर कैटेगरी M और कैटेगरी N के तहत आप लोगों को यहाँ पर एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के तहत हमारी कंट्री में इनको इंप्लीमेंट किया जाएगा। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये भी काफी इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में याद रखिएगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड को भी फॉलो किया जाता है ताकि यहाँ पर चीजें इंप्लीमेंट किया सके। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो है यहाँ पर ISO सर्टिफाइड जो है बेसिकली 14687 के हिसाब से ये काम करती है कि इसकी स्पेसिफिकेशन ऐसी होनी चाहिए ताकि कोई भी प्रॉब्लम देखने को न मिले।
तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, थोड़ा सा लेट भी हो गया तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग इसको पॉज कर यहाँ पर एक बार देख लीजिए और फिर इसका आंसर आप लोगों को बताना है, ताकि जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है उसका रिविजन एक तरीके से हो सके। यहाँ पर थोड़ा सा ये भी देख लीजिए, कल का ये क्विज था जो कि आप लोगों से डिस्कस करना था, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया था, ये क्वेश्चन था बेसिकली इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ रोड टैरिफ के बारे में, सॉरी ट्रैफिक के बारे में, तो कब ये आया था, ठीक है। कौन सा डिपार्टमेंट था किस राज्य का जिसके द्वारा यहाँ पर स्नेक के बारे में बात की थी, यानी सांप के बारे में, IATS के बारे में हम लोगों ने बात की थी। तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे थे, तो इनके आंसर एक बार आप लोग देख लीजिए। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा क्योंकि लेट हो गया है, वरना मैं ही आप लोगों से डिस्कस कर देता और थोड़ी लेंथी वीडियो हो जाएगी, तो थोड़ा अपलोड करने में फिर देर लगेगा, ठीक है। तो कोई नहीं, आज एडजस्ट कर लीजिए, तो सारी चीजें आप लोगों के सामने है। तो पहले वाला क्विज भी इसका आंसर आप लोगों को देना है, ठीक है, इसको पॉज करके आंसर दीजिएगा, फिर ये वाला क्विज है इसको अटेम्प्ट कीजिएगा और ये वाले आप लोगों के सामने आंसर है, ठीक है। तो ये है हमारी वीडियो का एंड, कल से आप लोगों को टाइम पर मिलेगी अगर कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। इसी तरीके से लाइफ को एंजॉय करते रहिए। देखिए ऐसा होता है, कभी ऐसा मत जाने दीजिए दिन को कि किसी दिन पढ़ाई ना हो, भले ही थोड़ा कम कर लीजिए पर पढ़ाई जरूर कीजिए, ठीक है, इससे आप लोगों के अंदर एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी। तो यहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, एक दो दिन की पीडीएफ बची हुई है, तो कल शाम तक गारंटी है, संडे है कल, तो आप लोग ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। तो इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए मेरे साथ में, ट्विटर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते, छोड़ो को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार, तब तक के लिए जय हिंद।